चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में जो रहस्य से भरपूर मैजिक है। हाय फ्रेंड्स, मैं संगीता आपको लेकर चलती हूँ जादू की दुनिया में। आज मेरे साथ यहाँ पे है करण और यहाँ पे है हमारी एक अनोखी डक जो खुद एक मैजिशियन है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ मैजिक, कुछ कार्ड ट्रिक यानी कि ताश के खेल। मेरे पास यहाँ पे कुछ प्लेन कार्ड्स हैं, आप देखिए बिल्कुल प्लेन कार्ड्स। करण आप भी चेक कीजिए क्या सारे अलग अलग हैं। आप इसमें से कोई भी कार्ड निकालेंगे, तैयार हैं? तो देखते हैं, करण को मैं एक कार्ड चूज करने के लिए दे रही हूँ, आप भी चेक कर सकते हैं। नॉर्मल कार्ड्स हैं, करण आपने कोई भी एक कार्ड चूज करना है इसमें से, चॉइस इज योर्स। मैं आपको रोकूंगी नहीं, कहां से कैसे आपने एक कार्ड चूज करना है, ठीक है? रेडी? कोई भी एक कार्ड निकाल लीजिए कहीं से भी। श्योर? यही और चूज करना है? नहीं, ले लो, सबको दिखाओ। करण ने जो कार्ड चूज किया है वो आपके सामने है। करण के हाथ में एक कार्ड है जो ये आपको दिखा रहा है और हमारे पास यहाँ है हमारी अनोखी डक। ये खुद एक मैजिशियन है। मेरे पास यहाँ कुछ कार्ड्स हैं, एक कार्ड आपके पास है, कुछ कार्ड्स मेरे पास हैं। इन कार्ड्स को मैं आपके सामने रखती हूं यहां। अब हम अपनी अनोखी डक को कहेंगे जो खुद एक मैजिशियन है, ये आपको अपना मैजिक दिखाए। जी हाँ, कई बार आपने देखा होगा मैजिशियन खुद मैजिक करते हैं, कार्ड इधर से पकड़ते हैं उधर करते हैं, मैं कुछ नहीं करूंगी। जो कार्ड करण ने चूज किया है वो करण के पास है और हमारी अनोखी डक के आगे हैं कुछ कार्ड्स। मैं सिर्फ बोलूंगी अपना मैजिकल स्पेल और आपके सामने करण के लिए अनोखी डक करेगी मैजिक। रेडी? देखिए, सिर्फ हम बोलेंगे हमारा मैजिकल स्पेल, वो है गिली गिली चू। मैं अब देखना चाहूंगी क्या हमारी डक ने जो कार्ड निकाला है, किंग और करण का कार्ड सेम है। इसे कहते हैं जादू गिली गिली छू का कमाल, कि करण ने जो एक कार्ड चूज किया था वही सेम कार्ड हमारी डक ने निकाला है दूसरे डेक में से। सेम कार्ड, चिड़ी का बादशाह।